नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। एमसीडी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कसती है। आप द्वारा आज 10 गारंटी लॉन्च की जाएंगी, जिसके पहले भाजपा ने गुरुवार को वचन पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को घर देने का वादा किया है। पत्र जारी करने के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने कहा कि हम दिल्ली के हर झुग्गी वासी से ये वचन पत्र भरवाएंगे और सभी को जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत मकान देंगे। इसके साथ ही आप पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ पीएम मोदी झुग्गी में रहने वाले लोगों के मकान का सपना पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो सरकार है जो लोगों को सीवेज और गंदे पानी के साथ रहने पर मजबूर कर रही है। उन्हें टैंकर माफिया से उगाही करने में आनंद आ रहा है। हमारा संकल्प है कि दिल्ली के हर झुग्गी वासी को पक्का मकान मिलेगा। तो वहीं सांसद मनोज तिवारी ने आपकी गारंटी पर भी तंज कसते हुए कहा कि सुना है कि आज दिल्ली के सीएम फिर से कोई गारंटी देने वाले हैं। साल 2015 में आपने 10 गारंटी दी थी, तो उनका क्या हुआ? वो 11,000 बसें कहाँ हैं? प्रदूषण को कम करने को लेकर गारंटी दी गई थी, लेकिन आज दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। साथ ही सीएम से सवाल करते हुए कहा कि आपने कूड़े के पहाड़ कम करने के लिए एमसीडी का कोई सहयोग किया और अब कूड़े पर राजनीति पर्यटन करने जा रहे हैं। आदेश गुप्ता ने आगे कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है। इसी क्रम में भाजपा ने दिल्ली के झुग्गी वासियों को मकान दिए और केजरीवाल की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। अब जनता आपके बहकावे में नहीं आएगी। उन्होंने दिल्ली में पानी की व्यवस्था को लेकर भी केजरीवाल सरकार को घेरा और कहा कि हर घर को नल से जल मिले ऐसा केजरीवाल की रुचि नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की टैंकर माफिया से साठगांठ है। साथ ही फॉर्म जारी करते हुए कहा कि मेरे लिए वो भावुक कर देने वाला पल था जब झुग्गी में रहने वाले लोगों को पीएम मोदी ने अपने मकान की चाबी सौंपी थी। इसके साथ ही झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए फॉर्म भी जारी किया है। तो खैर, चुनावी दौर है तो पार्टियों के बीच ये तंजबाजी तो चलती ही रहेगी, लेकिन आपको कौन सही लगता है और आपका रुख किस पार्टी की ओर है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 44।